सो पोके आर्मी, तो यार तुम सभी लोगों को तो पता होगा ही कि अभी अलोला रीजन ख़त्म हो चुका है, यानी ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है, क्योंकि जो एग्जीबिशन मैच था यार वो भी ख़त्म हो चुका है और हमारा ऐश जीत चुका है। तो यार उसी वजह से मैंने ये वीडियो लाने की सोची, जो कि है टॉप 20 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ऑफ ऐश केचम। तो दोस्तों इसमें अलोला रीजन के भी पोकेमॉन है, और ये पूरी भी जो भी लिस्ट है यार, ये पूरी लिस्ट फैन मेड लिस्ट है, और ये मेरी सेल्फ मेरे ओपिनियंस है इस लिस्ट पे टॉप 20 के। तो यार अगर तुम्हें कुछ लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों सबसे मेन बात, मैंने इस लिस्ट में पिकाचू को बिल्कुल नहीं रखा है, क्योंकि सबको पता है पिकाचू एक लेजेंड पोकेमॉन है ऐश का, और भाई वो किसी भी पोकेमॉन को हराने की ताकत क्षमता कुछ भी रखता है। तो इसलिए उसको स्ट्रेट अप इस लिस्ट में नहीं रखा है, क्योंकि वो हमेशा टॉप लिस्टेड होने वाला है, और वो भाई उसका फैन बेस इतना है कि वो फर्स्ट पोजीशन का उसके ऊपर हो सकता है यार, तो इसलिए मैंने उसे नहीं रखा। तो यार प्लीज़ अगर कोई ऐसा कमेंट सेक्शन में मत बोलना यार कि पिका चुका है। ओके सो यार, तो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन द वीडियो। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कमेंट करके ज़रूर बताना तुम्हें ये लिस्ट कैसे लगी। तो लेट्स गो, इंट्रो लगाते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर 20 पे आता है टॉटेरा। दोस्तों जो टॉटेरा को ऐश ने पकड़ा था शिनो में टर्टविक के फॉर्म में, और फिर टर्टविक से ग्रोटल से टॉटेरा। दोस्तों ऐसा भी बोलते हैं कि टॉटेरा ऐश के वर्स्ट लिस्ट में आता है, क्योंकि यार टॉटेरा की स्पीड बहुत कम है, बट यार ऐसा भी नहीं है, पर टॉटेरा इतना ताकतवर है कि वो ऐश के टॉप 20 के लिस्ट में 20th पोजीशन को डिजर्व करता है। दोस्तों टॉटेरा जब टर्टविक था तब वो बहुत फास्ट था, और अपने अटैक्स सामने वाले अटैक्स को अच्छे से डॉज करके डिफेंस कर पाता था, बट जैसे ही वो ग्रोटल में हुआ वैसे उसकी स्पीड कम हो गई, इसीलिए वो टॉप 20 पे है। और स्पीड कम होने के कारण उसके अटैक्स पावर्स कम हो गए, पर फिर भी वो वेल पावरफुल है 20th स्पॉट के लिए। नंबर 19 ओशवर्ड। दोस्तों ओशवर्ड को पकड़ा था उसने यूनोवा में, तो ओशवर्ड को आई गेस उसने एक स्टार्टर के तौर ही लिया था, क्योंकि वो ओशवर्ड प्रोफेसर का था, और वो प्रोफेसर का ओशवर्ड ने ऐश में बहुत इंटरेस्ट जमा लिया था, और उसके बाद वो उसका पीछा करने लग गया, और फिर वो उसके साथ ही चल बैठा। फिर प्रोफेसर ने उसका पोकीबॉल, प्रोफेसर ने खुद ऐश को बोला ले तू उसे, उसका पोकीबॉल मैं तुझे भेज देती हूँ। और दोस्तों और ओशवर्ड बहुत पावरफुल है, उसके पास बहुत ही कमाल के अटैक्स है, जैसे कि उसका स्पेशल अटैक ले सकते हो वाटर जेट हाइड्रो पंप से, बहुत अलग अलग अटैक्स है। और अगर ओशवर्ड इवॉल्व होता ना तो डिवॉट में तो वो टॉप 10 की पोजीशन में, टॉप 10 के लिस्ट में कहीं पे तो जगह बना लेता। नंबर 18। दोस्तों नंबर 18 पे आता है टैलो फ्लेम। दोस्तों टैलो फ्लेम है फायर और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन। इसको पकड़ा था ऐश ने कैरलॉस रीजन में, और ये आई गेस ऐश का सबसे पहला पोकेमॉन पकड़ा गया था कैरलॉस रीजन में, जी हाँ, या फिर आई गेस सबसे पहले फ्रूकी था, तो उसकी मदद से पकड़ा था फ्लेचलिंग को, फ्लेचलिंग से फ्लेचिंडर, और फ्लेचिंडर से टैलो फ्लेम। दोस्तों फ्लेचिंडर टैलो फ्लेम में तब इवॉल्व हुआ था जब मोल्ट्रेस फ्लेम थ्रोअर यूज़ कर रहा था उनके ऐश और उसके दोस्तों के सामने, बट उसे डॉज करना था तो उसकी वो स्पीड नहीं मिल रही थी, तब वो जाके इवॉल्व हुआ था टैलो फ्लेम में। दोस्तों टैलो फ्लेम बहुत ही कमाल का अटैक्स है उसके पास, और वो बहुत ही ताकतवर पोकेमॉन है। और दोस्तों और अगर ऐश ने इसे और मतलब विकसित बोल रहा हूँ यार, पर और अगर इसको ताकतवर बनाया था ना तो कम से कम ये टॉप 12 या फिर टॉप 15 के पोजीशन पे ज़रूर आता, पर अभी ये प्रोफेसर ओक के पास है। टॉप 17। दोस्तों 17 पे आता है और एक कैरलॉस सीजन का पोकेमॉन हवलूचा। दोस्तों हवलूचा ऐश के बेस्ट फाइटिंग टाइप्स में भी आता है, क्योंकि हवलूचा एक बहुत ही दमदार फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, और उसके पास बहुत ही कमाल के अटैक्स है। और दोस्तों हवलूचा ने ऐश को बहुत सारे बैटल्स में मदद भी की है। और दोस्तों ऐश को हवलूचा कैसे मिला था, ऐश ने खुद उसे नहीं पकड़ा था, पर हवलूचा हवलूचा खुद उसके साथ चल दिया था, मतलब हवलूचा को खुद उसका पोकेमॉन बनना था, क्योंकि ऐश ने हवलूचा की मदद की थी एक मूव सीखने के लिए, इसलिए वो उसके साथ चल पड़ा ऐश के साथ, और अभी वो प्रोफेसर ओक के पास है।
नंबर 16 दोस्तों, नंबर 16 पे आता है ब्यूजिल। दोस्तों इसे ऐश ने पकड़ा नहीं था बल्कि इसे ट्रेड करके लिया था डॉन से। दोस्तों ऐश ने अपने एपॉम को ब्यूजल से ट्रेड किया था क्योंकि जो ब्यूजल है उसे फाइटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था ना कि परफॉर्मेंस शूज़ में, और एपॉम को परफॉर्मेंस शूज़ में इंटरेस्ट था ना कि बैटल में, तो इसलिए उन दोनों ने इन्हें स्विच कर लिया था। और स्विच करने से बहुत ही फ़ायदा मिला डॉन और ऐश को, क्योंकि दोनों के पास अब उनकी बात सुनने वाले पोकेमॉन्स थे। ब्यूजल ने उसके इवॉल्व फॉर्म को भी एक बार हरा दिया है। नंबर 15 पे है बेलीफ। दोस्तों बेलीफ को ऐश ने पकड़ा था चिकोरिटा के फॉर्म में, वो भी जोटो रीजन में। दोस्तों तो बेलीफ एक बहुत ही ताकतवर पोकेमॉन है और वो जोटो रीजन में ही इवॉल्व हो चुकी थी। तो जब उसने चिकोरिटा को पकड़ा था तो यार चिकोरिटा बहुत जलती थी पिकाचू से, क्योंकि यार उसे पिकाचू की जगह लेनी थी यार, क्योंकि उसको ऐश बहुत पसंद था। पर यार ऐसा तो हो नहीं सकता पिकाचू की जगह कोई और पोकेमॉन ले ले, यार पिकाचू है यार। नंबर 14 है ग्लाइस्कोर। दोस्तों ग्लाइस्कोर भी एक बहुत ही बढ़िया पोकेमॉन है। ऐश ने उसे पकड़ा था ग्लाइगर के रूप में, और दोस्तों ग्लाइगर को बाद में ऐश ने एक इवोल्यूशनरी आइटम देके इवॉल्व किया था। जी हाँ, ग्लाइस्कोर को एक इवोल्यूशनरी आइटम से इवॉल्व किया जाता है। वो कोई तो आई गेस टूथ था, वरना आई गेस वो एक आई डोंट नो, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं भूल गया। तो दोस्तों ग्लाइस्कोर एक बहुत ही ताकतवर पोकेमॉन है यार। तो ऐश के पास जब भी वो स्टोन था, ऐश ने उसे बोला था मैं तुझे इवॉल्व कर दूंगा जब तू एक परफेक्ट पोकेमॉन बन जाएगा अब ट्रेनिंग के लिए, और मतलब तू बहुत ताकतवर बन जाएगा तब मैं तुझे इवॉल्व कर दूंगा खुद ही। तो ऐसी एक परिस्थिति आ गई थी ऐश के सामने जब वो गिर रहा था एक जगह से, तो तब ऐश ने उसकी तरफ फेंक दिया उस टूथ को, और फिर उससे ग्लाइस्कोर बन गया, फिर वो लोग बच गए। नंबर 13 पे आता है स्टारैप्टर। दोस्तों स्टारैप्टर को ऐश ने पकड़ा था शिनो में। जी हाँ, स्टारली के रूप में उसे पकड़ा था, फिर स्टारली से स्टारेविया और स्टारेविया से स्टारैप्टर। दोस्तों स्टारैप्टर की टाइपिंग है नॉर्मल प्लस फ्लाइंग। दोस्तों स्टारैप्टर भी बहुत ही पावरफुल, दमदार, कहते हैं बहुत हार्ड पोकेमॉन है यार, क्योंकि मुझे भी वो बहुत पसंद है, और स्टारैप्टर की थोड़ा बहुत फ़ैन बेस है उसमें मैं भी आता हूँ। और दोस्तों स्टारैप्टर के पास भी बहुत अच्छे अच्छे मूव्स है, जैसे ब्रेव बर्ड, स्टील विंग, ऐसे टैकल वगैरह मूव्स है। सो टॉप 12 दोस्तों 12 पोजीशन पे आता है स्नाइवी, जो कि आता है यूनोवा रीजन से। दोस्तों ऐश को स्नाइवी पकड़ना ही था क्योंकि वो एक ग्रास टाइप है, और दोस्तों ऐश का स्नाइवी बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है, भले वो इवॉल्व ना हुआ, बट अगर वो इवॉल्व हो जाता ना यार तो कम से कम वो टॉप टेन में तो आ ही जाता। और दोस्तों स्नाइवी ने भी बहुत सारी बैटल्स में ऐश की मदद कर ली है क्योंकि हराने में यूनोवा रीजन में, तो स्नाइवी डिजर्व करता है 12th की पोजीशन। टॉप 11 दोस्तों 11th पोजीशन पे आता है क्यूलावा। क्यूलावा को पकड़ा था सिंटाकुएल के रूप में जोटो रीजन में। दोस्तों तो जोटो रीजन में ही ये इवॉल्व नहीं हुआ था सिंटाक्विल में, और दोस्तों एक्सीडेंटली उस ऐश ने सिंटाक्विल को पकड़ लिया था क्योंकि वो एक बुरे ट्रेनर से सिंटाक्विल को बचाना चाहता था, इसलिए उसने सिंटाक्विल की तरफ पोकेबॉल फेंक दिया था और उसमें वो पकड़ा गया। तो उसके बाद बट सिंटाक्विल और ऐश का बहुत ही अच्छा तालमेल जमता है, और वो बहुत ही ताकतवर पोकेमॉन है। दोस्तों जब शिनो रीजन में ऐश अपने बाकी पोकेमॉन्स को रिकॉल कर रहा था, यानी प्रोफेसर ओक से, तब उसने सिंटाकुल को भी मांगा था, बट तब एक्चुअली हुआ क्या था, उसके सारे पोकेमॉन बिखर गए थे। और जब टीम रॉकेट के साथ बैटल हो रहा था ऐश का, और उसका सिंटाकुल बीच में आ रहा था, मतलब लड़ रहा था टीम रॉकेट के बड़े रोबोट के साथ, तब वो जाके क्यूलावा में विकसित हो गया। और तब तो तुम लोगों को पता है कि क्यूलावा बहुत स्ट्रांग है, और उसके क्यूलावा में टीम रॉकेट की बैंड बजा दी। टॉप 10 दोस्तों टॉप 10 आ ही गया, और टॉप 10 पे है ऐश का हेराक्रॉस। दोस्तों ऐश ने हेराक्रॉस को पकड़ा था जोटो रीजन में, और ये ऐश का सबसे पहला कॉट पोकेमॉन था जोटो रीजन का। जी हाँ, और ऐश ने हेराक्रॉस को इसलिए पकड़ा था, ऐश ने पकड़ा नहीं था, हेराक्रॉस उसके साथ आने में तैयार हो गया था। उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि ऐश ने बाकी हेराक्रॉस को भी प्रिंसर से बचा लिया था, और प्रिंसर और हेराक्रॉस दोनों को अपने अपने जगहों में मतलब स्टेबलाइज कर दिया था। तो उस हेराक्रॉस को ऐश के साथ मतलब आना बहुत पसंद हो गया, तो इसलिए वो उसके साथ चल दिया। और ऐश के हेराक्रॉस ने शिनो रीजन में डार्क राय से भी मुकाबला किया था, उसमें भी वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था।
टॉप 9। दोस्तों 9वें नंबर पे जो पोकेमोन है वो आई गेस सबका फेवरेट हो सकता है, ऐश का बल्बसोर। दोस्तों ऐश का बल्बसोर बहुत ही तगड़ा पोकेमोन है यार, क्योंकि वो बिना इवोल्यूशन के भी बहुत बहुत स्ट्रांग है। तो यार क्योंकि ऐश का बल्बसोर ने अब तक उसके डबल साइज पोकेमोन्स को हराया, विनोसोर जैसे पोकेमोन्स को हरा चुका है ऐश का बल्बसोर। और अभी वो फिलहाल प्रोफेसर ओक की लैब में है, उसके लैब में जो अलग अलग ग्रास टाइप पोकेमोन्स है उसके बीच के झगड़ों को वो सुलझा रहा है। यानी समझ लो यार ऐश का बल्बसोर बहुत ही ताकतवर है बिना इवोल्यूशन के भी। तो अगर हम एक तरफ ध्यान में रख के अगर ऐश के बल्बसोर को इवॉल्व फॉर्म में देखेंगे तो यार वो कितना स्ट्रांग होगा हम गैस भी नहीं कर पाएंगे। टॉप 8। दोस्तों टॉप 8 पे आता है एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन जो ऐश ने पकड़ा था शिनो रीजन में, और वो है गिबल। दोस्तों गिबल को ऐश ने पकड़ा था, बहुत लेट पकड़ा था, बट यार पकड़ के बहुत ही अच्छी चीज़ की थी, क्योंकि गिबल एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन है। भले वो इवॉल्व ना हुआ पर ऐश ने उस गिबल को एक बहुत ही ताकतवर हमला सिखाया था, मतलब वो बेस्ट पावरफुल ड्रैगन टाइप मूव है जो कि है ड्रेकोमीटियर। तो यार ड्रेकोमीटर एक बहुत ही ताकतवर मूव है जो उसने गिबल को सिखाया, और गिबल से वो मास्टर भी करवाया। और गिबल अगर तुम अभी भी बोलो ना ड्रेकोमीटर यूज़ करने के लिए, गिबल आराम से यूज़ करेगा और वो जाके भी लगेगा। बट उसमें प्रॉब्लम एक ही है कि ऐश का गिबल इवॉल्व नहीं हो पाया क्योंकि उसे ट्रेनिंग नहीं मिली, और अगर उसे ट्रेनिंग मिलती और वो गिबाइट और गार्चॉम में इवॉल्व हो जाता तो यार अभी कते हार्ड होता, क्योंकि वो सारा ड्रेकोमीटर मतलब ड्रेकोमीटर की फुल पावर यूज़ कर पाता। नंबर 7। दोस्तों नंबर 7 पे आता है शिनो रीजन का और एक पोकेमोन जो कि है इन्फर्निप। दोस्तों इन्फर्निप को ऐश ने पकड़ा था चिमचार के तौर पे, और दोस्तों ये चिमचार ऐश ने नहीं पकड़ा था, ये पॉल का चिमचार था जो उसने छोड़ दिया था, क्योंकि पॉल ने उस चिमचार को इसलिए पकड़ा था क्योंकि उसके पास एक एबिलिटी थी जो कि है ब्लेज, पर उसका वो चिमचार उस ब्लेज एबिलिटी को संभाल नहीं पाता था, तो इसलिए उसने उसे अपने टीम से किक ऑफ कर दिया था। बट ऐश ने वो देख के उसे एक ऑफर की कि क्या तुम मेरे टीम में आना चाहते हो, तो यार वो उसके टीम में जाने के लिए राजी हो गया। और फिर उसके बाद वो चिमचार से मॉन्फर्नो और मॉन्फर्नो से इन्फर्निप में विकसित हो गया, और विकसित ही ना हुआ अपनी ब्लेज एबिलिटी को भी उसने कंटिन्यू रखा, यानी मतलब सीख ली, मास्टर कर ली, और एंड में पॉल को हरा के बता ही दिया कि वो कितना स्ट्रांग है। टॉप 6। दोस्तों 6 पोजीशन पे आता है मेरा फेवरेट पोकेमोन और ऐश का बेस्ट एवर पोकेमोन अगर कह सकता हूँ, बट 6 पोजीशन पे आता है स्केप्टाइल। दोस्तों यार स्केप्टाइल को इसलिए 6 पोजीशन इसलिए दिए यार क्योंकि स्केप्टाइल ने ऐश के नहीं बल्कि जो अब मेरे को उस ट्रेनर का नाम याद नहीं आता, बट उसके डार्क राय को हरा दिया था। भले ही पहले के 4 पोकेमोन से मेहनत की थी बट यार पर स्केप्टाइल ने फिर भी बहुत ही कड़ी टक्कर दी थी डाकराय के सामने। और दोस्तों स्केप्टाइल बहुत ही ताकतवर पोकेमोन है, उसने होएन में पकड़ा था ट्रीको के रूप में, ट्रीको से ग्रोवाइल और ग्रोवाइल से स्केप्टाइल, और अभी वो प्रोफेसर ओक के पास है। तो दोस्तों हम टॉप फिफ्थ पे आ ही गए, और दोस्तों टॉप 5th पे मैंने ऐसा पोकेमोन रखा है जो अभी फिलहाल अलोला रीजन में है, और दोस्तों ये एक मिथिकल पोकेमोन है। जी हाँ, ऐश का सबसे पहला मिथिकल पोकेमोन कह सकते हैं यार, और ये है मेल्टन, और सॉरी कह सकते हो मेलमेटल। दोस्तों यार मेलमेटल बहुत ही तगड़ा पोकेमोन है यार, मेरे को खुद पर्सनल फेवरेट लगता है यार मेलमेटल, मेल्टन से ही ये बहुत ही अच्छा लगता है मेलमेटल, तो इट्स वेल एंड गुड यार। और मेलमेटल बहुत ही स्ट्रांग है, अगर तुमने अगले सन एंड मून के एपिसोड मतलब बैटल्स देखे होंगे तो मेलमेटल ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। टॉप 4। दोस्तों टॉप 4 पे और एक अलोला रीजन का पोकेमोन आता है, और वो ये पोजीशन बहुत ही डिजर्व करता है यार, और वो है एक यूनिक पोकेमोन, यूनिक इवोल्यूशन कह सकते हैं उस पोकेमोन का, वो है रॉक रॉफ का इवोल्यूशन लाइक एंड रॉक, बट डस्ट फॉर्म लाइक एंड रॉक, जो कि इवॉल्व होता है डे और नाइट के एकदम बीच में, यानी इवनिंग के टाइम इवोल्यूशन होता है ऐसा सब कहते हैं यार। तो ये बहुत ही इसने तो बहुत कमाल के अटैक्स तो है इस वर्ष टूनेज वगैरह, और दोस्तों ये बहुत ही ताकतवर पोकेमोन है, मैं जितना कहूँ उतना कम है, और इसके लुक्स और इसका फैन बेस भी बहुत ही ज़्यादा है। तो टॉप 3rd पोजीशन, सबका फेवरेट चार्जार्ड। दोस्तों यार चार्जार्ड किसे नहीं पसंद यार, बट फिर भी चार्जार्ड से पहले और दो पोकेमोन है, इसलिए चार्जार्ड
लेवल बोल रहे यार। नंबर थर्ड की पोजीशन बेशक डिजर्व करता है यार। दोस्तों चारिजर्ड हमारा सबका फेवरेट है, उसने पकड़ा था 4 मिलियन के तौर पे, और 4 मिलियन को भी उसने बचाया था, वो बारिश में मरने वाला था तो उसने उसे बचा लिया था, तो चारमेंडर ने उस पर भरोसा कर लिया। और दोस्तों वो एक चारमेंडर एक छोड़े हुए एक छोड़ रिलीज्ड पोकेमॉन था एक ट्रेनर से, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था इसीलिए। अगर ट्रेनर का नाम याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों। तो फिर उसके बाद 4 मिलियन और फिर चारिजार्ड। दोस्तों चारिजार्ड होने के बाद भी वो ऐश की नहीं सुनता था, बट एक बैटल में ऑरेंज आइलैंड्स के पॉलीव्रैथ के सामने उसने चारिजार्ड को आइस बीम से हिट किया था, तो ऐश ने उसे बचाया था। तो उसके बाद उसकी बात मानता है, और अभी वो मतलब अभी तो वो प्रोफेसर ओक के पास है, बट उसने चेरिसिक वैली में ट्रेनिंग ली है, और वो कितने मतलब 3 रीजन्स चेरिसिक वैली में ट्रेनिंग कर रहा था, 3 या 4 रीजन्स, तो यूनोवा में वो वापस आ जाता है प्रोफेसर ओक के पास दोस्तों। सो बढ़ते हैं नंबर टू के स्पॉट पे एक बहुत ही अनोखा पोकेमॉन है, जो कि अलोला में ही इंट्रोड्यूस किया था। तो अगर मैंने इसका नाम गलत लिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, नागा नाइन डेल ओके, अगर इसका नाम गलत प्रोनाउंस किया तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। तो यार ये एक इसे अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन कहते हैं यार, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। इसने टापू गोगो के साथ बैटल की थी एपिसोड 144 में, और वो बैटल बहुत ही अच्छी थी, और मतलब भले वो पहले बैटल्स में से थोड़ा सा वीक हो चुका था, बट वो एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन है जो कि वर्म होल से आता है या फिर जो भी पोर्टल से आता है बोली। तो जी हाँ, ये नंबर टू की स्पॉट ज़रूर डिजर्व करता है। और बढ़ते हैं नंबर वन की स्पॉट की तरफ दोस्तों। नंबर वन पे और कोई नहीं बल्कि ग्रे निंजा, सबका फेवरेट वाटर प्लस डार्क टाइप पोकेमॉन। और एज ग्रे निंजा के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊँ, सो इट्स वेरी ओपी, कुछ भी बोलने की अभी ज़रूरत नहीं है। एज ग्रे निंजा के बारे में वो नंबर वन की स्पॉट डिजर्व करता है। और दोस्तों हम बात करते हैं पिकाचू की, तो पिकाचू है वो हमारा वन के ऊपर वाली पोजीशन पे डिजर्व करता है, जो कि ऐश का कंधा। जी हाँ, सो सकते हो, दैट्स इट। सो गाइस पोकेफैंस, होप कि तुम लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा, भले ही वीडियो बड़ा बना है पर लिस्ट बहुत ही ओपी है। अगर मैं कमेंट सेक्शन में को जरूर बताना लिस्ट तुम्हें कैसी लगी। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी जाके लाइक करो, और चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी पोकेमॉन थियरी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम लोग को मिल पाए। और दोस्तों मिलता है तुम लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, पीस आउट।